आज के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से इंडियन रेलवे टिकट बुक करना तो आप एक सही वीडियो पाए हो। आज के इस वीडियो में आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखने को मिल जाएगी, आप अपने मोबाइल फोन से इंडियन रेलवे टिकट बुक कैसे कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। हम आ चुके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना गूगल सर्च बार ओपन, आपको यहाँ पे इंटर करनी है www.irctc.co.in। नीचे डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का लिंक, उसके बाद दोस्तों आपको इसको सर्च कर लिया है। जैसे आप इसे सर्च पे क्लिक करेंगे दोस्तों ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह ओपन होकर आ गया। ये एक अलर्ट आ गया, इसको अगर पढ़ना चाहो COVID-19 से रिलेटेड है तो पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओके पे हाईलाइट हो रही है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ये पॉपअप हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, फ्रॉम टू डेट ऑल क्लासेस जनरल, और उसके नीचे आपको सर्च पिन स्टार्टस। तो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे एक यहाँ पे आदमी का आइकन बना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपका लॉग इन का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लॉग इन पेज यहाँ पे ओपन होकर आ गया, जो कि ऊपर आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे यूजर नेम, और नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे अपनी इंटर करनी होगी। अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मैं IRCTC का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, मैं इस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे IRCTC का अकाउंट है, मैंने अकाउंट यहाँ पे बनाया है, तो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे मैंने रिमेंबर करके रखी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड दोनों यहाँ पे इंटर हो चुका। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको दिख रहा दोस्तों यहाँ पे टाइप इन द बॉक्स बिलो, और यहाँ पे साइड में उसके 6BJD, जो कि यहाँ पे चार टाइप का लेटर दे रखी है, जो कि यहाँ पे कोड है, जो कि कह सकते हैं कैप्चा है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों टाइप हेयर जो बॉक्स, यहाँ पे आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद दोस्तों नीचे जो साइन इन जो दिख रहा है यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो हाईलाइट हो रही है, इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये पेज पर आप IRCTC का पेज पर वेबसाइट पर आप लॉग इन हो जाएंगे। अदरवाइज अगर दोस्तों अगर दूसरे मेथड से आप इसमें अगर लॉग इन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी आप इस वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करने के दोस्तों आपको यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP, इस पर आपको क्लिक करनी होगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे चेक मार्क लग गया, देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। एक कंफर्मेशन आ गया, लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP फीचर सीट मीन विजुअली इंपैर्ड, या पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसको प्रोसीड पर आपको क्लिक करनी होगी, एंड बुकिंग विथ OTP पे यहाँ पे टिक लग गया, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, और मैं जैसे क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पे मुझे OTP एक मिल जाती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ आके पेज ओपन आ गया, वेरीफाई OTP करके OTP सेंड ऑन रजिस्टर मॉल, देखिए देख सकते हैं ऊपर OTP भी आ गया। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, उसके बाद जो सबमिट पे OTP पे यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों ये हमारा IRCTC पे मेरा ID यहाँ पे लॉग इन होकर आ गया, जो कि देख सकते हैं फिर से वही पॉपअप यहाँ पे शुरू हो गए, टिकट बुकिंग यहाँ पे कर फ्रॉम एंड टू का ऑप्शन। तो फ्रॉम एंड टू का मतलब ये दोस्तों आप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे गोरखपुर से जाना चाहता हूँ, तो आप जहाँ से जाना चाहते हो, जिस जंक्शन से, जिस रेलवे स्टेशन से आप जाना चाहते हो, उस रेलवे स्टेशन का यहाँ पे नाम इंटर करना होता है। ना जैसे मुझे गोरखपुर जाना है तो मैं यहाँ पे गोरखपुर लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे गोरखपुर लिख दिया। जैसे मैंने गोरखपुर लिखा, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे गोरखपुर जंक्शन आ गया, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, देख सकते हैं यहाँ पे गोरखपुर जंक्शन यहाँ पे इंटर हो गया अपने आप। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे अपने रेलवे स्टेशन जहाँ भी आप जा रहे हो, जिस जंक्शन पर जा रहे हो, उसका आपको शॉर्टकट कोड पता है, तो आप यहाँ पे कोड भी इंटर कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे GKP इंटर किया, यहाँ पे देख सकते हैं गोरखपुर अपने आप आ गया। तो ऐसे अगर आपको कोड पता है, जो कि यहाँ पे इंडिया में जो रेलवे स्टेशन जंक्शन पर यूज होती है कोड, जो कि 2 डिजिट 3 डिजिट का होता है, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इंटर कर सकते हो, और डायरेक्टली यहाँ पे जंक्शन का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं GKP मैंने इंटर किया, तो यहाँ पे गोरखपुर जंक्शन का यहाँ पे नाम यहाँ पे शो हो रहा है। तो टू में आपको कहाँ तक जाना है, जंक्शन का नाम यहाँ पे इंटर करना। जैसे मुझे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं गाजियाबाद जाना है, तो GZB मैं यहाँ पे जैसे लिखा, यहाँ देख सकते हैं गाजियाबाद अपने आप आ गया। उसके बाद दोस्तों फिर से इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे टू पे ये हमारा गाजियाबाद इंटर हो चुका। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे दिख रहा होगा दोस्तों डेट आपका जर्नी, मतलब कब का टिकट आप बुक करना चाहते हो, उस डेट को यहाँ पे आपको इंटर करनी है। अगर आप यहाँ पे मैनुअली अगर फिल करना चाहते हो, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से अपना डेट यहाँ पे चूज कर सकते हो। अदरवाइज नीचे आपको कैलेंडर यहाँ पे ओपन होकर आ जाती है, यहाँ से अगर डेट यहाँ से चूज करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एग्जाम्पल जून में मुझे 9 तारीख को जाना है, तो मैं 9 तारीख को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, और उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे ऑल क्लासेस। तो क्लासेस अगर आप यहाँ पे चूज करना चाहो, तो यहाँ से भी क्लासेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी, जितना भी ट्रेन में अवेलेबल होती है, यहाँ से डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि
मुझे पता है हाँ जो ट्रेन में बुक करने वाला हूँ सिर्फ स्लीपर क्लास है, तो मैं यहाँ से स्लीपर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो आप आगे जब ट्रेन बुक करेंगे तो वहाँ भी आप सिलेक्ट करने का ऑप्शन आगे भी आपको मिल जाएगा। इस तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जनरल, तो जनरल में दोस्तों हम जनरल ही रहने देते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस है जैसे कि आप कोई सीनियर सिटीजन वो आपके साथ जा रहे हैं तो उनको लोअर बर्थ चाहिए, नीचे बैठने उठने के लिए थोड़ा दिक्कत ना हो, कंफर्टेबल हो, तो इसके लिए हम यहाँ से आपको चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से वो सारी चीज़ें यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपके पास लेडीज जा रही है, लोअर बर्थ, यहाँ पे सीनियर सिटीजन, दिव्यांग है, तो यहाँ से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है आपको कैसे सीट चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम जनरल ही रहने देते हैं क्योंकि मुझे तो हम लोग तो यूथ है, भाई यंग है, कहीं भी मिल जाए अच्छा काम चलेगा। तो यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको जनरल ही रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे जो हाईलाइट हो रही है सर्च पे, आपको सर्च पे क्लिक करनी है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे दोस्तों जिस जंक्शन से आपने सेलेक्ट किया है और जहाँ तक सेलेक्ट किया है सारी यहाँ पे ट्रेन जितने भी अवेलेबल हैं सारी आपको नीचे शो हो जाएगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी ट्रेन गोरखपुर से गाजियाबाद यहाँ पे इस डेट पे आने वाली है। साइड में आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे डेट, अगर आप इसको यहाँ पे एडिट करना चाहते हो, अपना डेट चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से आप अपना डेट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेंसिल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डेट चेंज करने का ऑप्शन, आपको सारी चीज़ें मतलब इंटर सारी चीज़ें यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप और कहीं से जाना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो, डेट भी चेंज करना चाहो तो मतलब यहाँ से आपको करेक्शन करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है पेंसिल वाले आइकन से, जैसे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप जितने भी सारी ट्रेन दिख रही है ये गोरखपुर टू गाजियाबाद जाने वाली है 9 तारीख को, जो कि आपको नीचे आपको दिख रही है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन का डिटेल, जो कि यहाँ पे वैशाली एक्सप्रेस जो कि पहले नंबर पे आपको दिख रही है, और उसके साइड में आपको उस ट्रेन का नंबर यहाँ पे दिख रहा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाद नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे 1700 यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब दोस्तों ये शाम के 5 बजे चलेगी और सुबह 5:38 पे यहाँ पे गाजियाबाद पे छोड़ देगी, जो कि यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे शो रही है। बीच में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 12.38, मतलब दोस्तों ये 12 घंटा 38 मिनट का यहाँ पे जर्नी है जो कि गोरखपुर से गाजियाबाद का इस ट्रेन का, वो ट्रेन वाइज ये चेंज होता रहता है। आप दूसरी ट्रेन में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 घंटा 11 मिनट का है, तो ऐसे ऐसे ट्रेन वाइज अपना स्पीड एक्सप्रेस सुपर फास्ट उसके हिसाब से यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी जो कि रेड कलर में यहाँ पे, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों ये रिफ्रेश होने लगता है, ओपन होकर आ जाती है सीट है या नहीं, देख सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे 2 years यहाँ पे लिख किया गया, और नीचे आप देख सकते हैं थर्सडे जो कि हमने इंटर किया था थर्सडे 9 जून, और नीचे आप देख सकते हैं अवेलेबल 0006, मतलब यहाँ पे 6 सीट अवेलेबल है अभी 2 years में इस ट्रेन में। साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्राइडे जो कि 10 जून को यहाँ पे 2 वेटिंग लिस्ट हो चुकी है। अगर WL अगर आप लिख रहा है तो इसका मतलब दोस्तों वेटिंग लिस्ट मतलब सीट बुक हो चुकी है, 2 वेटिंग लिस्ट में है। उसके बाद दोस्तों SL की आप देखना चाहते हो तो SL पे जो हाईलाइट हो रही है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे SL का यहाँ पे क्लास ओपन होकर आ जाएगा, और इसमें अवेलेबल सीट है या नहीं है या ये सारी चीज़ यहाँ पे शो कर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 9 तारीख को यहाँ पे 34 वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है, WL 34 वेटिंग लिस्ट है। उसके बाद 10 तारीख को देख सकते हैं यहाँ पे WL 32, मतलब 10 तारीख को यहाँ पे 32 वेटिंग लिस्ट है। उसके बाद दोस्तों अगर 3A में देखना चाहते हो तो 3A पे आपको क्लिक करनी है। जैसे आप 3A पे क्लिक करते हैं फिर से आपको रिफ्रेश हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सेम डेट पे यहाँ पे WL 4 यानी कि 4 वेटिंग लिस्ट है 3A में इस ट्रेन में। उसके बाद दोस्तों 10 तारीख को देख सकते हैं यहाँ पे 17 वेटिंग लिस्ट है। ऐसे ही आप 2A में देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 वेटिंग लिस्ट है। उसके बाद फ्राइडे में देखना चाहो तो यहाँ पे 5 वेटिंग लिस्ट है। अगर फर्स्ट क्लास 1A में अगर देखना चाहो तो आप यहाँ पे 2 वेटिंग लिस्ट है, फ्राइडे को यहाँ पे 1 वेटिंग लिस्ट हो। तो इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे अपना वेटिंग लिस्ट यहाँ पे सीट है या नहीं है सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। सब ट्रेन में किसी भी ट्रेन में अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर कोई ट्रेन कैंसिल है शो कर देगा कि ट्रेन कैंसिल है या नॉट अवेलेबल यहाँ पे लिख देगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक ट्रेन यहाँ पे चूज कर लेता हूँ जिसमें सीट अवेलेबल हो, मुझे उस ट्रेन में बुक करनी है। तो जैसे देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पे मैं दूसरे नंबर पे चेक कर लेता हूँ, पहले नंबर पे तो सीट नहीं है जो कि आपने देख लिया यहाँ पे 2S में है, तो 2S में तो सेकंड सीटिंग होती है, तो सेकंड सीटिंग में मुझे सीट नहीं चाहिए तो मैं 2S में नहीं बुक करूंगा, तो ये ट्रेन को मैं छोड़ दे रहा हूँ। नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे GKPANBT Express 15057 जिसका ट्रेन नंबर है, उसके नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों ये ट्रेन वीकली ट्रेन है, बस हफ्ते में एक बार चलती है थर्सडे को, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं टी में हाईलाइट है ये। तो इस ट्रेन में मैं चेक करता हूँ, देखते हैं इस ट्रेन में सीट है या नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले मैं 2S में मुझे लेना ही नहीं है, तो मैं 2S में नहीं रिफ्रेश करने वाला, जैसे कि मुझे स्लीपर में लेना है तो मैं स्लीपर को रिफ्रेश पे क्लिक किया। जैसे आप देख सकते हैं स्लीपर यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बूम दोस्तों यहाँ पे थर्सडे 9 तारीख को यहाँ पे RAC 81 है, मतलब ये ग्रीन कलर यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे आप बुक कर सकते हो, यहाँ पे आपको सीट कंफर्म है, आपको मिलेगी। उसके बाद साइड में आपको अगर 3A में देखना चाहो तो दोस्तों यहाँ पे 3A में भी आपको अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 2A में देखना चाहो तो दोस्तों यहाँ पे 2A में भी अवेलेबल है, 31 सीट है और 16 तारीख को 50 सीट है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1A सीट अवेलेबल नहीं है इस ट्रेन पे, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास AC वाला। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे प्राइस, जो कि बुक नाउ जो हाईलाइट हो रही है उसके साइड में आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे रुपीज़ का आइकन बना है,
है जो कि यहाँ पे उसके उस साइड में आपको दिख रहा है दोस्तों 395 मतलब 395 रुपीज़ यहाँ पे पर टिकट का यहाँ पे पैसे हैं स्लीपर का इस ट्रेन में, और ट्रेन वाइज आपको यहाँ पे चेंज होता रहता है। ट्रेन का बात की जाए तो यहाँ पे 395 रुपीज़ है। अगर 3A का अगर प्राइस देखना चाहते हो, जैसे आप 3A में क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो हाईलाइट हो रही है 1075 मतलब 1075 रुपये एक सीट का यहाँ पे आपका यहाँ पे चार्ज है। उसके बाद अगर 2A में देखना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पे 1530 रुपये एक सीट का यहाँ पे चार्ज है। तो आप अपने हिसाब से जिसमें कंफर्टेबल है आप अपने हिसाब से यहाँ पे बुक कर सकते हैं। स्लीपर में बुक करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे प्राइस नीचे देख सकते हैं 395। हाईलाइट हो रही है आपको थर्सडे 09 जून RAC 81 मतलब ये डेट, तो डेट को आपको क्लिक, जैसे आप डेट पे क्लिक करते हैं दोस्तों ये डेट आपको सिलेक्ट हो जाती है और उसके बाद बुक नाउ जो है वो हाईलाइट हो जाती है, मतलब आप इसको बुक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इसे बुक नाउ पे क्लिक करना, जैसे आप बुक नाउ पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक कन्फर्मेशन आ जाता है, इसको अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। इसे मैं एग्री कर देता हूँ, जैसे इसे एग्री कर देंगे यहाँ पे प्रोसेस होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना बुकिंग पेज यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा जो कि पैसेंजर डिटेल्स जिसको हम कहते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आपको पैसेंजर डिटेल्स लिखा भी है और आपको कहाँ से कहाँ तक जाना ये भी लिखा है और साइड में आपको डेट भी मेंशन है, ट्रेन का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों नोट में लिख रहा है प्लीज सबमिट फुल नेम ऑफ द पैसेंजर्स इंस्टेड ऑफ इनिशियल्स, मतलब ये कह रहा है दोस्तों आपका जो पैसेंजर का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे उसका यहाँ पे पूरा नेम इंटर करना, सिर्फ आपका जैसे सौरभ कुमार तो आपको यहाँ पे सौरभ ही नहीं इंटर करना है, पूरा नेम इंटर करना जो कि उसके आईडी कार्ड में है, तो यहाँ पे पूरा नेम यहाँ पे इंटर करना है। और उसके सेकेंड वाला नोट आप पढ़ सकते हैं आईडी कार्ड विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग जर्नी, तो मतलब यहाँ पे आईडी कार्ड साथ में होनी चाहिए, जो आईडी कार्ड का नाम आप इंटर करते हैं किसी बंदे की तो उस बंदे की वो आईडी कार्ड यहाँ पे साथ में होनी चाहिए। आई मीन जब टीटी आएगा चेक करने तो आपको शायद आईडी कार्ड मांग सकता है, ऐसे मांगते नहीं है बट कभी कभी मांग लेते हैं तो होना चाहिए, आई मीन कि प्रूफ करने के लिए मैं ही हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे पैसेंजर डिटेल, तो पैसेंजर डिटेल में दोस्तों आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम इंटर करना है, जिसका भी नाम है अपने आधार कार्ड के हिसाब से या किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी आईडी के हिसाब से, कंपलसरी नहीं आपको आधार कार्ड के हिसाब से नाम यहाँ पे इंटर करना, जैसे मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। या नाम इंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे एज, तो आपको यहाँ पे एज इंटर कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे एज यहाँ पे इंटर कर लिया 22। उसके बाद आपको जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे अवेलेबल है, कोई बात नहीं अच्छा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों साइड में आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे इंडियन, अगर आप और किसी भी देश से हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं चेंज करने वाला क्योंकि हम सब इंडियन ही हैं, तो इसको ऐसे बैक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों साइड में आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे नो प्रेफरेंस, तो आपको कौन सा सीट लेना चाहते हो, ऊपर का बीच का नीचे का साइड वाला, तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको यहाँ पे चूज करने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे लोअर मिडल अपर साइड लोअर साइड अपर जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। लोअर का मतलब होता है दोस्तों सबसे नीचे वाला, और मिडल का होता है मतलब जो बीच वाला, और अपर का मतलब होता है दोस्तों सबसे ऊपर वाला, और दो नीचे आप देख सकते हैं साइड लोअर साइड अपर, तो दोस्तों ये ऊपर होता है विंडो के ऊपर और एक विंडो से नीचे, तो उसके लिए साइड अपर साइड लोअर है। तो आप जो भी यहाँ पे कंफर्टेबल हो जिसमें जो आपको बुक करनी चाहिए उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मुझे यहाँ पे अपर सेलेक्ट करनी है तो मैंने यहाँ पे अपर सेलेक्ट किया, और जैसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों पे एड पैसेंजर एड इन्फेंट विथ बर्थ एड इन्फेंट विदाउट बर्थ, दोस्तों अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है और किसी कहाँ पे साथ में बुक करना चाहते हो, जैसे आपके साथ कोई जा रहा है तो उसका भी नाम यहाँ पे इंटर करना होगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो एड पैसेंजर पे लिखा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक और डिटेल यहाँ पे पैसेंजर नेम से खुल के आ जाएगा जो कि आपको सेकेंड वाले पैसेंजर का डिटेल यहाँ पे इंटर करना होगा, तो उसका नाम भी उसके आईडी के हिसाब से यहाँ पे इंटर कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम इंटर कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड पैसेंजर का नाम यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर और भी कोई है तो आप यहाँ पे उसका भी आप एड पे आप क्लिक करके यहाँ पे एड पैसेंजर पे क्लिक करके आप यहाँ पे एड कर सकते हैं, तो 5 सीट यहाँ पे बुक हो सकता है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो अगर 5 लोगों का बुक कर रहे हो तो किसी एक बंदे का डाल सकते हो तो काफ़ी है, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल इंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे अदर प्रेफरेंसेस, उसके नीचे आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रही है यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, तो दोस्तों अगर इसमें चेक मार्क अगर इस पर लगा देते हैं तो दोस्तों ये होता है कि आप अगर जो सीट आपने अपर यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो आपका ऑटो अपग्रेड हो सकती है, नीचे ऊपर हो सकती है, मतलब जो आपने सीट बुक किया वो आपको फिक्स नहीं हो सकती है, वेटिंग लिस्ट पे है ऐसा पे है तो उस टाइम पे ये काम लगती है, बट यहाँ पे अगर फिक्स है कन्फर्म सीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में आप यहाँ पे कर देते हैं आप यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन पे यहाँ पे चेक मार्क लगा देते हैं तो आपका सीट जो है आप एग्जांपल आपने अपर पे बुक किया था तो हो सकता है आपको मिडल में आ जाए, हो सकता है लोअर पे आ जाए, यहाँ पे मतलब ये पॉसिबिलिटी होती है, बट वेटिंग लिस्ट में है तभी होती है, बट अगर आपको कंफर्म सीट है आरएसी सीट है तो वहाँ पे आपका सीट यहाँ पे कंफर्म होती है। नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, यहाँ पे पूछ रहा है 0.35 पर पर्सन, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों ये ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए अच्छा ही हो सकता है, ज़्यादा पैसे नहीं है 0.35 पर पर्सन। ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हो तो आपको यस आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन
सेगमेंट आपको अगर नहीं लेना चाहते हो तो नो आई डोंट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि पहले से ही यहाँ पे सिलेक्ट रहता है। तो मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ तो मैं यस पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यस पे क्लिक कर दिया उसके बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे पेमेंट मोड, जो कि पेमेंट मोड में दोस्तों यहाँ पे दो सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। एक ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड, कहते हैं एटीएम, उसे भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेट बैंकिंग भी यहाँ पे मिल जाती है, वॉलेट्स भी मिल जाती है, भारत पे भी मिल जाता है, पे ऑन डिलीवरी जो कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी डायरेक्टली यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, और रिवार्ड्स एंड अदर्स। वाओ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, अगर आपको कोई रिवार्ड्स मिलती है किसी पेमेंट करते समय तो उससे भी आप इस टिकट को बुक कर सकते हो। आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे कन्वीनियंस फी जो कि यहाँ पे ₹15 लगने वाली है, यहाँ पे बुक कर सकते हो। BSI UPI से भी पेमेंट करके यहाँ पे बुक कर सकते हो, जो कि हम बहुत सारा यूज करते हैं, उसके कन्वीनियंस फी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ₹10 लग रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करने वाला हूँ, जिसको हम कहते हैं ATM कार्ड से, तो ATM कार्ड पे ही रहने दूंगा। अगर यहीं से आपको पेमेंट करनी है तो आपको इस पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, तो मुझे अपने ATM कार्ड से ही पेमेंट करना, मैं पहले पे ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे देख, अगर पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे पर पर्सन 395 पर पर्सन, मतलब 395 एक बंदे का यहाँ पे लग रहा है टिकट का। और उसके साइड में आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रही है जो कि ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो रही है, और उसके ऊपर आपको दिख रहा है दोस्तों एक मैडम यहाँ पे नमस्ते कर रही है जो कि IRCTC का यहाँ पे ड्रेस लगाई हुई है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको चैटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है इस वेबसाइट से, तो मुझे यहाँ पे चैटिंग नहीं करनी, यहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा तभी यहाँ पे इंक्वायरी ले सकते हैं, कुछ हेल्प अगर चाहिए तो यहाँ से इस मैडम से आप यहाँ पे चैटिंग कर सकते हो। तो उसके लिए ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे चैटिंग यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा IRCTC। यहाँ पे टिकट बुक करनी है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू ऑरेंज वाला पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे पेमेंट ओपन भी होकर आ गया, जो कि यहाँ पे रिव्यू जर्नी एक बार यहाँ पे ओपन होकर आ गया, OTP भी आ गई, उस OTP को मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद दोस्तों OTP को कॉपी करने के बाद दोस्तों अगर इसको आप एक बार देखना चाहते हो तो इसको आप एक बार देख सकते हो, रिव्यू आपका डेट क्या कुछ गलत है या डेट गलत है, टाइम, सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कि यहाँ पे मैं ट्रेन जो बुक किया था यहाँ पे ट्रेन का इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रखी है, जो कि आप देख सकते हैं GKBNBT एक्सप्रेस, उसका नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि टाइमिंग शो कर रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों एयर टिकट विल बी सेंड, उसके नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे व्यू कैंसिलेशन पॉलिसी, अगर पॉलिसी अगर देखना चाहते हो अगर मैं कैंसिल करूंगा तो मुझे कितना रिफंड मिलेगा, कितना पैसे डिटेक्ट होंगे, आप यहाँ पे उसका पॉलिसी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो अगर आपको कैंसिल करनी है तो। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों जो कि यहाँ पे पे वहाँ पे ऊपर अब हाईलाइट हो रही है OTP फॉर बुकिंग, जो कि OTP अभी आया था ऊपर आपने देखा, मैंने कॉपी किया तो उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा OTP यहाँ पे पेस्ट, अगर OTP आपको नहीं मिलता है तो रिसेंट OTP जो हाईलाइट हो रही है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो OTP आने में टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे आप रिसेंट OTP यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दोबारा आपको OTP मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 395 था, अभी आप देख सकते हैं यहाँ 808.4, ये 0.4 जो आया दोस्तों ये हमने 0.35 पर पर्सन जो हमने ऐड किया था ट्रैवल इंश्योरेंस का, उसका भी यहाँ पे टोटल ऐड हो गया यहाँ पे 808.04 यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको जो ऑरेंज कलर पे कंटिन्यू हो रहा है इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप पेमेंट वाला मेथड ओपन होकर आ जाएगी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं पेमेंट मेथड ओपन होकर आ गया, जो कि ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा आपका ट्रेन डिटेल्स और डेट, और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में आप देख सकते हैं दोस्तों IRCTC पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, IRCTC का भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यहाँ पे है, अगर आप पेमेंट करना चाहो तो पेमेंट कर सकते हो। केवल पेमेंट सर्विस से आप अगर पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। तीसरे नंबर में आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे नेट बैंकिंग मिल जाता है, अगर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हो नेट बैंकिंग से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे पेमेंट गेटवे, जो कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो दोस्तों हाँ मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे थर्ड नंबर चूज करूंगा जो कि यहाँ पे पेमेंट गेटवे लिखा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे वॉलेट्स और कैश कार्ड, इससे भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। समरी देखना चाहते हो जर्नी समरी तो नीचे आपको समरी भी आपको दिखा, और पैसे कैसे कैसे लगे हैं देखने को मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ तो डेबिट कार्ड को मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैंने डेबिट कार्ड क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट होने के बाद दोस्तों ऊपर आपको कुछ इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, आप किसे पेमेंट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हाईलाइट हो गया, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। नीचे आपको राइट साइड कॉर्नर पे आपको जो ऑरेंज कलर में कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, जो कि मैडम के पीछे जो कि हाईलाइट हो रही है, इस पर आपको फिर से क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साइड में फिर से आपको दिख रहा है दोस्तों पे एंड बुक, जैसे पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका रीडायरेक्टिंग टू पेमेंट पेज यहाँ पे ले जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेमेंट यहाँ पे पेज ओपन होकर आ गया। तो यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे कार्ड डिटेल यहाँ पे
इंटरनल दोस्तों, यहाँ पे आपका कार्ड कौन सा है उस कार्ड को आपको ऊपर सेलेक्ट करनी है। जैसे आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, IRCTC, नेट बैंकिंग, यहाँ पे डेबिट कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे कार्ड नंबर शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। कार्ड नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कार्ड शो कर देगा, वीसा का है, मास्टर कार्ड है, यहाँ पे क्लासिक जो भी है यहाँ पे साइड में शो कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं वीसा का यहाँ पे शो कर दिया और मेरा कार्ड वीसा का है। उसके नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों MMYY, तो मतलब इसको मंथ और वाई डेबिट कार्ड वैलिड है वो आपके इंटर करनी है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। आपके कार्ड के ऊपर ही ये लिखा होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे CVV यहाँ पे पूछ रहा है, कार्ड के पीछे जो होता है CVV नंबर, उसको 3 अंक का होता है, ये आपको यहाँ पे इंटर कर लेनी है। नेम ऑन कार्ड, अपने कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका नाम होगा, आप अपने फादर के पेरेंट के कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो उनका नाम होगा, तो आप जिसका भी अभी नाम है उसका यहाँ पे नाम यहाँ पे इंटर कर लेना जो कि कार्ड के ऊपर लिखा होगा। सारी डिटेल चेक करने के बाद दोस्तों नीचे जो आपको पेनाउ पे हाईलाइट हो रही है, पेनाउ पे आपको क्लिक करनी है। जैसे आप पेनाउ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और आपको रीडायरेक्ट कर, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है इस अकाउंट पे, यहाँ पे देख सकते हैं OTP भी आ गया, आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। सबमिट पे जो हाईलाइट हो रही है इस पे आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्रोसेस होने लगता है और ये कुछ ही टाइम में ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया। उसके बाद दोस्तों ये रीडायरेक्ट आपको ट्रांजेक्शन प्रोसेस चेक कह रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे थैंक यू यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे शो कर देगा और कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली बुक टिकट। वाओ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC ने यहाँ पे कंग्रेचुलेशन कह दिया, यू हैव सक्सेसफुली बुक अ टिकट यहाँ पे कह रहा है। और नीचे आपको देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आपको यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया IRCTC की तरफ से, PNR नंबर जिसको हम कहते हैं, ट्रेन का जो भी डिटेल होता है जिसमें सीट लिखा होता है, ऊपर आपको SMS आ गया, मैं SMS भी आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बुकिंग डिटेल्स जो कि इस मोबाइल नंबर पे सेंड कर दी गई, जो कि यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा है IRCTC। और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों जो ऑरेंज कलर में जो हाईलाइट हो रही है आपको यहाँ पे PNR जो कि यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है, इस PNR नंबर से आप अपना सीट कहाँ है अपने ट्रेन में कहाँ है देख सकते हैं, आपका ट्रेन का स्टेटस क्या है, कितने लेट है, सारी डिटेल यहाँ से इस PNR नंबर से आप चेक कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट वाला जो आइकन जो हाईलाइट हो रही है इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे प्रिंट पे आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि TT अगर मांगता है तो इसको आप डायरेक्टली ये पेज आपको दिखा सकते हो। तो देख सकते हैं दोस्तों IRCTC ने मुझे ये मैसेज दिया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं PNR नंबर और ट्रेन नंबर भी यहाँ पे दे रखे। इसी तरह दोस्तों आप अपना यहाँ पे अपने मोबाइल फोन से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से इंडियन रेलवे का टिकट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं और पूरे इंडिया में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर लग रहा है ये वीडियो किसी की हेल्पफुल है आपके रिलेटिव में या आपकी किसी फ्रेंड सर्कल में, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। IRCTC पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं मैं इस पे वीडियो लेके आऊँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।